पठानकोट शहर के चक्की पुल के पास चक्की खड्ड में एक बार फिर से लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। चक्की खड्ड में लाशें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सूचना पाते ही थाना प्रभारी डमटाल अजीत पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे। वे लाश की शिनाख्त करने लगे। प्राप्त जानकारी अनुसार ये लाश विजय कुमार निवासी अंगूरावाला बाग पठानकोट की है। पुलिस द्वारा लाश को कब्जे में ले आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज हमारे को डांगू पीर में जो रेलवे पुल है उसके साथ नीचे नदी में खड्ड में जो है डेड बॉडी एक मिली है जो पानी में तैर रही थी, तो जिस पर हम मौके पर गए, डेड बॉडी को निकलवाया बाहर और उसके घर वालों ने उनको शिनाख्त किया। विजय कुमार अंगूरावाला बाग का ये रहने वाला है, तो प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि भाई ये डूबने के कारण इसकी मौत हुई है। घर वालों से जब इसकी जांच पड़ताल की तो उन्होंने बताया कि ये दिमागी तौर पर अस्वस्थ था और इसका ट्रीटमेंट जो अमृतसर हॉस्पिटल से लगातार इसकी दवाई चल रही थी। कल रात से ये अपने घर से निकल आया था और अभी तक ये पता लग रहा है कि भी वो पानी में पैर पूर स्लिप होने के कारण ये डूबने के कारण मौत हुई है और इसकी फिर भी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को नूरपुर हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। जैसे भी सूरत होगी वैसे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी 174 CRPC के तहत इसकी कार्रवाई की जा रही है।